कर्नाटक चुनाव के बीच टीपू सुल्तान के जरिए पाकिस्तान की एंट्री, ट्वीट कर टीपू को बताया मैसूर का टाइगर। पाकिस्तान ने ट्वीट में लिखा कि टीपू युद्ध की कला में माहिर था, पहले राहुल गांधी ने टीपू सुल्तान की तारीफ की। पाकिस्तान के टीपू वाले ट्वीट पर बीजेपी का सवाल, क्या कांग्रेस की भाषा बोल रहा है पाकिस्तान। हुबली में राहुल गांधी ने पीएम से पूछा, दुनिया में पेट्रोल सस्ता, भारत में महंगा क्यों? स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल पीएम का अपमान कर रहे हैं। कर्नाटक के घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा, शुरू करेंगे 1.5 लाख करोड़ की सिंचाई योजना, 1 लाख तक का कर्ज करेंगे माफ। मैनिफेस्टो में बीजेपी का वादा, कर्नाटक में बीपीएल परिवारों को स्मार्टफोन और कॉलेज छात्रों को लैपटॉप देंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को बताया जुमला फेस्टो, कहा 2014 का घोषणा पत्र कॉपी कर दिया। भोपाल में अमित शाह ने कांग्रेस को बताया शेख चिल्ली, कहा मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मारे गए 2 इनामी नक्सली, तेलंगाना सीमा के पास एनकाउंटर, AK-47 बरामद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला, पुलिस की फायरिंग के बाद भागे आतंकी। कठुआ गैंग रेप पर जी न्यूज के खुलासे को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया जांच के काबिल, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कहा देवस्थान पर रेप संभव नहीं है, वारदात वाले दिन वहां कई लोग मौजूद थे। एएमयू में जिन्ना की तस्वीर पर विवाद जारी, एएमयू में इंटरनेट बंद, मुख्तार अब्बास नकवी ने पूछा विलन के सम्मान में संघर्ष किया। कर्नाटक से आज रात सीधे आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कल सुबह लेंगे आंधी तूफान से हुई तबाही का हवाई जायजा। बरकरार है जानलेवा तूफान का खतरा, मौसम विभाग की चेतावनी, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी में आ सकती है तेज आंधी। ट्रिपल तलाक पर मोदी सरकार चल सकती है, अध्यादेश का मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस का आरोप घर तोड़ना चाहती है मोदी सरकार। बिहार में मिस्ट्री बना बस हादसा, कल 27 मौत की पुष्टि और मुआवजे का भी हुआ था ऐलान, आज मंत्री ने कहा नहीं गई किसी की जान। फिलहाल 27 मौत की पुष्टि और मुआवजे का भी हुआ था ऐलान, आज मंत्री ने कहा नहीं गई किसी की जान। फिलहाल नहीं बढ़ेंगी चीनी की कीमतें, जीएसटी काउंसिल की बैठक में सेस लगाने पर फैसला टल गया है, राज्यों में नहीं बनी सहमति। चीन ने खारिज किया अमेरिका का लेजर अटैक का आरोप, अमेरिका ने कहा था चीन ने जिबूती में लेजर हथियार से उसके विमान पायलट पर हमला किया था। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट के लिए 8 मई को होगा टीम इंडिया का ऐलान, 14 और 18 जून के बीच खेला जाएगा टेस्ट। मौत के बवंडर पर सबसे बड़ी चेतावनी, अगले 72 घंटे तक सावधान अलर्ट, तो सभी को इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। तबाही का तूफान फिर मचाएगा त्राही त्राही, आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत, सौ से ज्यादा का हत्यारा कैसे बना बवंडर, शहर शहर क्यों आया बवंडर का कहर, घबराना नहीं बाखबर रहना है। एक घंटे का तूफान आता है और हमारे देश में 127 की जान लेकर चला जाता है। ऐसा क्यों? क्या हिंदुस्तान इतना कमजोर है कि एक तूफान से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता? क्या हम एक बवंडर के आगे घुटने टेक देंगे? अगर मौसम विभाग के पास पूर्वानुमान था कि ऐसा बवंडर आ सकता है, तो फिर इतनी मौत आखिरकार क्यों हुई? क्या ये हमारे सिस्टम का फेलियर नहीं है, हमारे तंत्र की नाकामी नहीं है? लेकिन हम आपको डराने के लिए नहीं, प्लीज समझिए, हम डराने के लिए नहीं, आपको खबरदार सावधान करने के लिए, हम आपको आगाह कर रहे हैं मौसम विभाग ने क्या अनुमान जताया है और कब कब सावधान रहने की जरूरत है, इस पर नजर डालिए।
2 मई को एक घंटे के लिए आए मौत के बवंडर ने 127 लोगों की जान ले ली। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने एहतियातन अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 7 मई तक सावधान रहना चाहिए। मई को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ओडिशा और केरल में धूल भरी आंधी चल सकती है। 5 मई को पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। 7 मई को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और आंधी का अंदेशा। 7 मई को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में भारी बारिश और आंधी का अंदेशा। 7 मई को ही उत्तराखंड और पंजाब में भी आंधी लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। 7 मई को पश्चिम राजस्थान में तेज आंधी का अनुमान। 7 मई को असम और मेघालय में भारी बारिश का अंदेशा। तबाही का जो मंजर देश ने मंगलवार को देखा वो दोबारा न देखना पड़े, इसलिए मौसम विभाग भी अलर्ट है और आप भी सावधान रहिए। जब मौसम के बारे में चेतावनी दी जाती है तो सभी को इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और जब हम ये बताते हैं कि विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी तो पेड़ों के गिरने की संभावना है, पोल भी गिर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर मौसम विभाग के पास इस बवंडर और मौसम के बिगड़ने की जानकारी थी तो 127 लोगों की मौत क्यों हो गई? हमारा सिस्टम ऐसा क्यों है कि एक तूफान से लोगों को बचा नहीं सका? क्या तूफान की चेतावनी को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाया नहीं गया? क्या तूफान पर सिस्टम ने एक्शन में आने में देरी कर दी? हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि इतने कम समय में इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया। ज्यादातर यह भी कहा जाता है कि अगर खास जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें, क्योंकि जब लाइटनिंग आती है, बिजली गिरती है तो लोग जब बाहर रहते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, बिजली गिर सकती है और डस्टॉर्म का भी यही हाल है। तूफान ने कुछ ही वक्त में सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। तापमान ज्यादा होने की वजह से भयंकर गर्मी का केंद्र एक जगह पर बना और तेज हवा और बादल गरजने के हालात बन गए। एकाएक बढ़े तापमान से गर्म हवा ऊपर उठने लगी। हवा ऊपर उठने के बाद बारिश से ओले का रूप ले लेती है। ऐसी स्थिति में बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं। यही वजह थी कि बड़ी तबाही हुई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड ये छत्तीसगढ़, वो सब एरिया ब्लैक देखते हैं। ये सब हैवी रेन का भी चांस है उसके साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ। वैरस ये सब, ये सिंबल दिख रहा है ना, ये सब एरिया में थंडरस्टॉर्म का चांसेस है। उम्मीद यही है कि विज्ञान की दुनिया में कदम बढ़ाता हिंदुस्तान एक तूफान के आगे फिर कभी सरेंडर नहीं करेगा। पवन नारा और अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको वजह समझाते हैं कि वो कौन सी 3 वजह है जिसके चलते तूफान आया और तबाही ज्यादा क्यों हुई। सबसे पहली वजह, भूमध्य सागर से उठी तूफानी हवा। जब सर्दी होती है तो इन हवाओं की वजह से बर्फबारी होती है और अगर गर्मियां हो तो फिर उत्तर पश्चिम भारत में तेज हवाएं चलती हैं। दूसरा कारण है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, इसको बहुत सुना होगा, जिसकी वजह से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। यही पैटर्न यूपी होते हुए फिर बिहार पहुंचा। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी मिली और फिर ज्यादा तापमान की वजह से तूफान जैसा माहौल बन गया और फिर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, पेड़ गिरे, खंबे गिरे और कच्चे घरों के छतें गिरने से भारी तबाही। लेकिन ये जनता भी, या ये कहिए कि सिर्फ जनता नहीं, हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा सिस्टम इतना लचर कैसे है कि 100 के ऊपर आंकड़ा पहुंच जाता है, जान चली जाती है। और ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में कि अमेरिका अपने नागरिकों को तूफान से कैसे बचाता है और हम अभी इस मामले में इतने पीछे आखिरकार क्यों। तूफान अमेरिका में भी आते हैं, हिंदुस्तान से ज्यादा आते हैं, लेकिन कम जानलेवा साबित होते हैं। सवाल यही है कि ऐसा क्यों? 60 मिनट का एक बवंडर हिंदुस्तान में 127 जान लेकर निकल गया।
अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है तो पूर्व में अटलांटिक महासागर है, जहां समुद्री तूफान आते रहते हैं। जमीन पर टॉर्नेडो बर्फीले तूफान का खतरा बना रहता है, लेकिन नुकसान हिंदुस्तान में ज्यादा होता है। अमेरिका में मौसम की जानकारी भारत के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाती है। अमेरिका में मौसम की जानकारी के लिए सरकारी और कई प्राइवेट वेदर सर्विस कंपनियों ने मोबाइल ऐप बना रखी है, जो आम जनता को मौसम से संबंधित जानकारियां पल पल उपलब्ध करवाते हैं। हर घंटे डेटा अपडेट होता है। इन मोबाइल ऐप्स पर 12 हफ्तों तक का फोरकास्ट ऑनलाइन उपलब्ध रहता है। इसके अलावा वेदर चैनल भी है, जो 24 घंटे लगातार मौसम की खबरें प्रसारित करते हैं। प्रेस के जरिए या टीवी के जरिए या रेडियो के जरिए भारत मौसम विज्ञान विभाग अपना चेतावनियां देती रहती है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि आम आदमी ही टारगेट है, सबके लिए ये जब तूफान आती है तो वो सब खा जाता है। यही नहीं, अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस का बजट भारत के मौसम विभाग के मुकाबले कहीं ज्यादा है। भारतीय मौसम विभाग के आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस का सालाना खर्च 7100 करोड़ रुपए का है। अमेरिका में वेदर चैनल भी है, जो 24 घंटे लगातार मौसम की खबरें प्रसारित करता रहता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई चैनल नहीं है। सिर्फ न्यूज चैनल में ही मौसम की जानकारी दी जाती है। गंभीरता से लेके हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हमें घर से बाहर कम से कम निकलें। जब आपको बारिश की संभावना लगे उस समय अपनी एक्टिविटीज कम कर दें। 2015 में मौसम विभाग ने 93% बारिश का अनुमान बताया। स्काईमेट ने 102% बारिश का पूर्वानुमान दिया, लेकिन असल में बारिश हुई 86%। 2016 में मौसम विभाग ने 106% बारिश का अनुमान जताया। स्काईमेट ने 105% बारिश का अनुमान जताया, लेकिन वास्तविक बारिश हुई 97%। 2017 में भी मौसम विभाग और स्काईमेट का अनुमान सटीक साबित नहीं हुआ। जापान में भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। जापान के मौसम विभाग का सालाना बजट 3,500 करोड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन के बाहर जेएनयू और एएमयू समेत कई यूनिवर्सिटीज के छात्रों का प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू संगठनों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। इस बीच एएमयू में तनाव को देखते हुए पूरे अलीगढ़ शहर में धारा 144 लागू कर दी। अफवाह पर लगाम लगाने के लिए कल रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। प्रशासन ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई। वहीं हिंदू जागरण मंच ने एक बार फिर यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग की है। ये दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यूपी भवन के बाहर एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दोनों ही यूनिवर्सिटी की तरफ से, इनफैक्ट और भी कुछ यूनिवर्सिटीज से जुड़ी तमाम छात्र वहां बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हिंदू संगठनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस बीच अलीगढ़ में धारा 144 लागू है और साथ ही साथ 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आपको यहाँ ये बात समझनी होगी कि बार बार पूरे देश में यही सवाल उठ रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि खलनायक है जिन्ना, भारत के टुकड़े करने की स्क्रिप्ट अगर किसी ने लिखी तो वो मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखी। और ऐसे शख्स का आखिरकार महिमा मंडन कैसे किया जा सकता है, जो शख्स जिम्मेदार है देश के बंटवारे का। बंटवारे का दंश अगर इस वक्त देश झेल रहा है तो उसके पीछे जिन्ना रहा है और उसी का ये महिमा मंडन। तो वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया लेकिन पाकिस्तान नहीं गए और भारत में ही रहे, उनके विषय में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत गंभीर टिप्पणी की थी, जो आज भी प्रासंगिक है। आज आपको उनकी ये टिप्पणी सुननी चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि भाई इधर हमारे सेक्युलर स्टेट चाहिए, हिंदुओं का राज, कौमी राज नहीं होना चाहिए। कौन कहते हैं कौमी राज बनाओ? हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, कौमी राज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि
हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने काफी लोगों ने ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया, ठीक दिया अभी ठीक है, लेकिन अब एक रोज में एक रात में क्या दिल बदल गया वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एक दम कहते हैं कम मान लो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिन सबका कैसा बदल गया। तो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है, आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो, आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो, वो हमको पूछने की बात नहीं है। और अब बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के टॉर्चर से आजादी दिलाने के मोदी सरकार के प्लान। कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक बिल को लेकर लाए जाने वाले अध्यादेश का विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा है कि यह कानून उसे हरगिज मंजूर नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस जानबूझकर इस बिल को रोकना चाहती है क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं की तरक्की के खिलाफ है। लेकिन दरअसल खेल जो है ना वो कर्नाटक की राजनीति का है। मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। ट्रिपल तलाक पर कांग्रेस का विश्वासघात, मुस्लिम महिलाओं का टॉर्चर कांग्रेस को कबूल, मुस्लिम महिलाओं पर चोट मौलानाओं का वोट। कर्नाटक चुनाव के बीचों बीच जैसे ही यह खबर आई कि मोदी सरकार ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश ला सकती है, वैसे ही कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक पर अपने पुराने रुख को बरकरार रखते हुए इसका फिर विरोध किया, बावजूद इसके कि अध्यादेश में ट्रिपल तलाक के अपराध को जमानती बनाने पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस पर एतराज जता दिया है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर सिस्टम कुछ नहीं है क्या? चर्चा पार्लियामेंट में चलना था, इसको हमने कमेटी को रिकमेंड करे हैं, तो ये कैसे ऑर्डिनेंस ले आएंगे? ये महिलाओं का नाजायज फायदा उठाने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बताया था। इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी मिली थी जिसमें ट्रिपल तलाक को गैर जमानती अपराध बनाया गया, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के विरोध की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। बिल में सजा के प्रावधान को लेकर विपक्ष ने एतराज जताया था, लेकिन सरकार ने उस वक्त बिल में बदलाव से इनकार कर दिया। अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा, लेकिन इसे 6 महीने के भीतर संसद से मंजूरी लेनी होगी। कैबिनेट की अगली बैठक में फैसला हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट की अगली बैठक 9 मई को हो सकती है। ये ट्रिपल तलाक अगर विपक्ष रोकने का काम की है तो हम इसे निश्चित ऑर्डिनेंस ला करके इसे लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी शुरू से मुस्लिम महिलाओं के विरोध में रहा है। जाहिर है कांग्रेस ने कर्नाटक में 13% मुसलमानों के आंकड़े को देखकर ये सियासी फैसला किया है, लेकिन यूपी गंवाने के बाद क्या कांग्रेस को कर्नाटक में भी ये दाव भारी पड़ने जा रहा है? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक में यूं तो सारी जो लड़ाई है वो वोट पाकर जीतने के लिए है, लेकिन वोट सिर्फ रैलियों में ही नहीं बल्कि धार्मिक मठों में भी मिलते हैं। या यूं कहें कि सियासत का रास्ता कर्नाटक के धार्मिक मठों और खास तौर पर लिंगायत मठों से होकर गुजरता है। और आज हम आपको कर्नाटक के लिंगायतों के सबसे बड़े मठ में लेकर चलते हैं जहाँ से लाखों वोटर्स का ध्रुवीकरण होता है। कर्नाटक की पूरी सियासत मठों के इर्द गिर्द घूमती है, या दूसरे शब्दों में यूं कहें तो कर्नाटक के मठ ही कर्नाटक की सियासत को चलाते हैं। कर्नाटक पॉलिटिकल लीग की बड़ी जंग सिर्फ सियासी मैदानों में ही नहीं लड़ी जा रही बल्कि सत्ता पाने के लिए मठों में भी धर्म युद्ध चल रहा है। आज आपको कर्नाटक में लिंगायतों के सबसे बड़े मठ में लेकर चलते हैं क्योंकि लिंगायत वोटों की दिशा यहीं से तय होती है।
कहा जाता है कि सिद्ध गंगा मठ से सबसे बड़ी कम्युनिटी जो कर्नाटक के जुड़ी है वो लिंगायत कम्युनिटी है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग ये भी बताते हैं कि 80 से ज़्यादा अलग अलग दूसरी कम्युनिटीज़ जिसमें SC ST भी हैं, जिसमें ब्राह्मण्स भी हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें मुस्लिम्स भी हैं, ये तमाम कम्युनिटी के लोग इस सिद्ध गंगा मठ के सिद्धांतों से, उनकी सोच से, उनकी पद्धति से जुड़े हुए हैं। सिद्ध गंगा मठ सियासत की सिद्धि का सबसे बड़ा ठिकाना है, तभी तो BJP अध्यक्ष अमित शाह से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक सबने लिंगायत वोट बैंक का आशीर्वाद पाने के लिए नमन किया है। दिल्ली से करीब 2,500 किलोमीटर दूर सिद्ध गंगा मठ के महास्वामी श्री 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 शिव कुमार यूं तो 111 साल के हैं, लेकिन कहते हैं कि उनका आशीर्वाद चुनावी संग्राम में विजय पथ बनाने का काम करता है। सिद्ध गंगा मठ 14वीं शताब्दी का मठ है, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कई कार्य कर रहा है। कर्नाटक में सिद्ध गंगा मठ के 125 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान है, करीब 10,000 छात्रों को शिक्षा, आवास और निशुल्क भोजन मिलता है। सिद्ध गंगा मठ लिंगायत संप्रदाय का सबसे बड़ा मठ माना जाता है। स्वामी जी का भक्त लोग है ना, कोई भी आए तो स्वामी जी का उसका आशीर्वाद लेने के, कोई भी आए तो उनका पूर्ण आशीर्वाद मिल गया तो उन लोग बहुत उनका जीवन में बहुत रोशन करता है। कर्नाटक की सियासत में जो संघर्ष चल रहा है उसका शक्ति परीक्षण मठों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भले ही धार्मिक जगह हो लेकिन फिलहाल ये सियासी पावर का सेंटर भी है। किस तरीके से कर्नाटक के मठ कर्नाटक की सियासत को प्रभावित करते हैं और कर्नाटक की राजनीति से कैसे कर्नाटक के मठ प्रभावित होते हैं, इस पर लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी और हम तमाम अलग अलग मठों तक जाके इस बात को जानने समझने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे सहयोगी सदाशिव के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।